कोरोना की आंशिक तीसरी लहर के बीच कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली सरकार है वो धीरे धीरे तमाम चीज़ों में ढील बरत रही है, और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अब जो दुर्गा पूजा में भी अनुमति दे दी है कि लोग जो हैं वो जा सकते हैं, हालांकि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ जा सकते हैं। और अब हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो त्यौहारों का मौसम है वो बेहद नज़दीक है, और दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से धीरे धीरे ढील बरत रही है। लेकिन अब अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का क्या हाल है, क्योंकि अगर हम अगर बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की, तो जितने भी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि तीसरी लहर जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन इसी बीच नहीं कह सकते, त्योहारों का मौसम है, इस बीच तमाम मार्केट्स के क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है दिल्ली की गफार मार्केट में, और यहाँ जानना चाहेंगे कि इस मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस से की जितने भी गाइडलाइंस दी गई है सरकार ने उसका कितना पालन हो रहा है, और मार्केट अपनी तरफ से एसोसिएशन जो है वो क्या तमाम प्रयास कर रही है, किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं यहाँ पे गफार मार्केट के, सत्येंद्र सिंह जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। सत्येंद्र जी, देखिए कोरोना की तीसरी आंशिक लहर के बीच में हम ये कह सकते हैं कि अब जो त्योहारों का मौसम है वो शुरू हो गया है। गफार मार्केट की बात करें तो ये दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में, एशिया में बल्कि सबसे प्रख्यात मार्केट है, हज़ारों की तादाद में प्रतिदिन लोग आते हैं। दिल्ली सरकार धीरे धीरे ढील दे रही है, लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के क्या हालात हैं सर? हमने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं सफाई के, यू कैन सी योरसेल्फ, 3 से 4 बार यहाँ सफाई होती है। इसके बावजूद एमसीडी ने भी डेंगू का जैसे चल रहा है उसमें दे हैव ऑल्सो डन, इसमें सैनिटाइजिंग की जाती है एमसीडी द्वारा, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हमने अपने दुकानदारों को सबको आग्रह किया हुआ है कि कोई भी कस्टमर आए आप उसको अटेंड नहीं करेंगे इफ़ इज़ नॉट वेयरिंग द मास्क। और जैसे यू कैन सी ये बाहर हर एक को बोला हुआ है कि आप ये इसके लिए हाथ सैनिटाइज करने के लिए, ऑल हैव मेड देयर अरेंजमेंट्स। और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी सबको आग्रह किया गया है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी वो रश नहीं है बाज़ार में जो होता था, क्योंकि लोग भी अभी आराम आराम से निकल रहे हैं, हर बंदा डरा हुआ है। लेट अस सी एंड होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अगर हम ये बात करें आपके एसोसिएशन की, ये एसोसिएशन ने तमाम प्रयास करे अपनी तरफ से, सारी चीज़ें लोगों को बता रखी है। अगर बात करेंगे प्रशासन की, प्रशासन कितना सतर्क है कोरोना की तीसरी लहर को लेके, और क्या यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, अगर हम बात करेंगे सिविल डिफेंस अफसर जो है तैनात किए गए वो आते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आते हैं, हमारा वी कैजुअली इंटरेक्ट विद SDM करोलबाग, और उन्होंने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स गेट्स पे लगा रखे हैं, कभी इस तरफ कभी वहाँ, तो उन लोगों का भी वो भी अवेयर कराते हैं लोगों को, और जो नहीं मानता उसका चलान किया जाता है। सर गफार मार्केट की बात करें तो अभी ही हाल ही में ही कोरोना की जितनी भी महामारी की गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करने के लिए इसको बंद किया गया था, क्या अब लगता है कि इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी दोबारा? दैट वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट गफार मार्केट, इट वॉज इनफैक्ट अनदर मार्केट। लेकिन आप आज की डेट में, मैं हर फोरा पे बोल चुका हूँ, गफार मार्केट ये 4 गलियाँ हैं, लेकिन ऊपर MCD मार्केट है उसको भी गफार मार्केट कहा जाता है, इधर हरध्यान सिंह रोड से परली तरफ चले जाइए उसको भी गफार मार्केट कहा जाता है, जिसमें एक एक बिल्डिंग में 100 दुकान है, आगे चले जाइए 13 ब्लॉक उसको भी गफार मार्केट कहा जाता है। तो इसमें बद से बदनाम बुरा वाली बात है और कुछ नहीं है। तो दैट वॉज द मिस्टेक, वी मेट मैडम ऑल्सो, DM मैडम, एंड हमने उनको अवेयर कराया, SDM साहब को अवेयर कराया, और उन्होंने भी माना इस चीज़ को, और वी टोल्ड देम कि अगर कहीं हमारी कमी है बताइए, पॉइंट आउट करिए, विल फुलफिल दैट। चलिए सर, एक लास्ट मैं आपसे पूछूंगा सवाल जाते जाते कि क्या लगता है कि इस बार के जो त्यौहार हैं उसको भी कहीं ना कहीं कोरोना का घृण लग चुका है, क्योंकि रौनक जो है वो पहले जैसे दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, जो इसमें ना सेकंड जो वेव थी, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई घरों में कैजुअलिटीज हुई हैं, तो दैट इज द मेजर फैक्टर। आज बंदा डरा हुआ है उस चीज़ को भी देख के,
लेट अस सी एंड होप फॉर द बेस्ट। त्यौहार तो सबने मनाना है, तो लोगों को क्या बोलेंगे कि गफार मार्केट आने चाहिए, यहाँ पर डरने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि खाली गफार मार्केट में आना चाहिए, वो सब तरफ जाना चाहिए, व्यापार सबका चलेगा तभी समृद्ध होंगे सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में मार्केट्स में कोरोना प्रोटोकॉल्स का कितना पालन हो रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ मार्केट के एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मार्केट के अंदर घूमने आए थे, शॉपिंग करने आए थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल्स का कितना पालन किया जा रहा है? सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप जी, आप मार्केट में यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के हम कह सकते हैं बहुत फेमस मार्केट है गफार मार्केट, कितना फर्क दिख रहा है आपको अगर कोरोना काल के पहले की बात करें और बाद की? मेरे हिसाब से करोल बाग एक ऐसी मार्केट है इंडिया की जहाँ से मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया का पूरा बिजनेस चलता है। पहले कभी चांदनी चौक सुनते थे हम, लेकिन अब करोल बाग मार्केट एक फेमस मार्केट है जिसको शायद एशिया के अंदर भी लोग मोस्टली जानते ही हैं। अब सही प्रोटोकॉल के हमारे यहाँ पे रूल्स की मास्क को तो फॉलो मेरे हिसाब से 70% लोग ही कर रहे हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, समझ रहे हैं चीज़ को। सबसे बड़ी बात, आप दुकानों के अंदर जाके देखिए, दुकानदार जो ऑनर है, जो उसके जो कलीग्स है, वही इस चीज़ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अरे बीमारी है यार, देखिए एक ऐसा शत्रु है कि एक ऐसा अनजान शत्रु जिसको हम देख नहीं पा रहे, हम उससे लड़ रहे हैं। अभी ये मतलब 80% हम लड़ाई जीत चुके हैं, 20% रह गई है यार, हाथी लेकर के पूंछ रह गई है सबसे बड़ी बात। और रूल्स ये हमारे यहाँ पे देख ही रहे हो, अंकल जी देखिए आपके सामने है, सर भाई साहब पीछे है, देख लीजिए। कोई भी गाँव के देहात में तो लोग कोरोना को समझते ही नहीं है कि कोरोना कोई बीमारी है, वो तो सोचते कि ये तो पब्लिक, देखिए मानते हैं, देखिए देश के साथ जो हुआ वो इस टाइम हो रहा है, वैसी महंगाई की वैसी मार पड़ रही है, ऊपर से बीमारी है। देखिए मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, मेरी वाइफ के भी दोनों हो चुके हैं, वैक्सीनेशन से पहले करवाया हमने, क्योंकि भाई जब हो रहा है तो करना में भीड़ दिख रही है आपको पहले की तरह? पहले के अकॉर्डिंग तो सर ये मेरे हिसाब से 50% है। मैं करोल बाग में निकलना बहुत भारी पड़ जाता था मुझे आने, लेकिन देखो लोग डर भी रहे, इस चीज़ को अवॉइड भी कर रहे हैं, मैं खुद अवॉइड करता हूँ मार्केट में आने के लिए। अभी आए थे उन्होंने कुछ चाहिए था, मैंने चलो ले लिया, कोई नहीं। बेसिकली करोल बाग मेरे ससुराल है, यहाँ पर मैं आया था काम से, ठीक है। अब काम तो रहा नहीं है सर, मैं खुद जॉबलेस रहा हूँ कोरोना की वजह से सर। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो ग्रहण है वो एक बार फिर से त्योहारों पे लग गया है? बिल्कुल लगा सर, बहुत फर्क पड़ेगा मार्केट के अंदर। ये तो दुकानदार जब भी तो इतनी महंगी दे रहे चीज़ें, क्योंकि महंगाई इसलिए तो हो रही है, उन्हें पता है कि कब मोदी जी 8 बजे आएंगे और बोल देंगे कि भैया एक महीने के लिए लॉकडाउन लग गया दोबारा तिबारा, क्योंकि दूसरी लहर है, तीसरी लहर के लिए बोल रखा है पहले, अभी हो सकता है। आप मार्केट में एंटर करें, आपका क्या कोई यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हुई है, आपको सैनिटाइज किया है? कोई मार्केट में कोई प्रोटोकॉल को तो वो कर ही नहीं रहा सर, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप जाइए किसी की तरफ से कुछ बिल्कुल भी नहीं, पुलिस वाले ऐसे ही बैठे बिगड़ मास्क के। लेकिन अगर हम बात करें गफार मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें करी जा रही है, दुकान में अंदर एंटर होने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। सर कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी ना कोई, मैं कह रहा हूँ कोई भी कुछ नहीं करता सर, कोई सैनिटाइज। आप जाके किसी भी जाइए, आप ऑर्डिनरी एक ग्राहक बन के जाइए, अगर आपके साथ कोई स्कैनिंग हो रही है या आपको सैनिटाइज किया जा रहा है, पहले तो बोलते थे स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हुआ था, अनलॉक हुआ था, तो बहुत ज़्यादा रूल्स को दिखाया जा रहा था कि भाई हम बीमारी से लड़ रहे हैं। अब तो सब बेफिक्र हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब त्यौहार किस तरीके से लोग मनाएंगे, डर रहेगा लोगों के मन में? सर डर तो अब तो खैर नहीं रहा, तो सब एडजस्टमेंट कर चुके हैं। कहते ना अब लड़ाई से जितना लड़ लड़ के शत्रु को जान गए हैं, तो अब लड़ना सीख गए हैं लोग, लेकिन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा बिल्कुल, रूल्स को कोई ठीक है ठीक है। मैडम भी मौजूद है, मैडम से बातचीत कर लेते हैं, मैडम का क्या कुछ कहना। मैडम सिर्फ ये बता दीजिए, आप मार्केट में आए हैं, कितना कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है? सर कोई पालन नहीं किया जा रहा, लोग मास्क पहन के आ रहे हैं? नहीं आ रहे। और प्रशासन की तरफ से क्या? सर प्रशासन की तरफ से देखिए, पहले बाइक अंदर घुसती नहीं थी ऐसे, अब इस टाइम वही कि मार्केट की वजह से सबको अपना सामान बेचना तो बिल्कुल। प्रशासन ने यहाँ पर क्या सिविल डिफेंस के अफसर तैनात किए हैं दिल्ली सरकार की? सर अभी तो देखिए मैंने कोई देखा नहीं, नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि कोरोना का ग्रैंड जो है वो हम ये कह सकते हैं त्योहारों पर पड़ गया है एक बार फिर से? पड़ गया सर, दो साल से तो था ही, क्योंकि इस साल कैसा रहेगा? इस साल कुछ तो है नहीं, पिछले साल तो कुछ भी नहीं था, इस साल तो थोड़ा बहुत खुलेगा। त्योहार किस तरीके से मनाने वाले हैं? सर बस क्या बताओ, और महंगाई पे महंगाई होने लग रही है, मार्केटों में थोड़ी भीड़ कम है, लास्ट टाइम पे जैसे 20 के अंदर था थोड़ी खुली हुई थी, तो अब तो बिल्कुल भी वो नहीं है, नहीं हो रहा, पालन नहीं हो रहा प्रोटोकॉल्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट के हालात हम आपको दिखा रहे हैं।
लोगों से बातचीत करी है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का कितना पालन मार्केट में किया जा रहा है। हालांकि अगर यहां के हम जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो यहां का व्यापार मंडल है उनकी तरफ से हैंड सैनिटाइजेशन कराई जा रही है। जब कोई भी ग्राहक अंदर घुसता है तो उसकी स्कैनिंग होती है, लेकिन अगर हम धरातल की बात करें, ग्राहकों से बात की है, तो ग्राहकों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की तरफ से ना तो कुछ सतर्कता बरती जा रही है और ना ही जो गफार मार्केट के व्यापार मंडल है उनकी तरफ से, एसोसिएशन वालों की तरफ से भी कोई भी किसी भी किस्म की तरह की सतर्कता नहीं बरती जा रही है। लेकिन हमारा चैनल जो है आप लोगों से एक अपील ज़रूर करता है, त्योहारों का मौसम बेहद नज़दीक है, इसलिए आप लोग अगर मार्केट जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का जितना भी है उसका पालन ज़रूर कीजिए, क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में ही है। तीसरी आंशिक लहर के बीच त्यौहार जो है आप लोग अच्छे से मनाइए, लेकिन सतर्क रह के मनाइए, क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में है, तीसरी लहर को आने से हम लोग ही बचा सकते हैं। कोरोना काल के बाद इस समय समूचा भारत अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और लगभग जो स्थिति है फिलहाल वो सामान्य के जैसी हो चुकी है। बाजारों में फिलहाल त्योहारों की धूम है और त्योहारों के रंग के बीच लोगों का जो हुजूम है वो भी देखने को बनता है। किस तरह से बाजारों में फिलहाल जो भीड़ है वो एक तरीके से उस आशंका की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है कि आज से 2 साल पहले जिस तरह से यही त्योहारों के सीजन के बाद जो स्थिति हमने झेली थी, जिस स्थिति का हमने सामना किया था, यही होली और दिवाली मनाने के बाद जिस स्थिति से पूरा भारत गुजरा था, क्या वही स्थिति दोबारा भी बन सकती है? क्या उसी स्थिति को लेकर लोगों के मन में कहीं डर है? क्या प्रशासन उस स्थिति के लिए तैयार है? क्या प्रशासन की तरफ से वह स्थिति दोबारा डेवलप ना हो, इस तरीके की कोई जो फिलहाल पूरी तरीके से जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, यही हम दिखाने के लिए आपको मौजूद हैं और दिखाएंगे कि फिलहाल जिस कोरोना के डर की हम बात कर रहे हैं, क्या फिलहाल भी बाजारों में वो बचा हुआ है, क्या लोगों के अंदर बचा हुआ है, और त्योहारों के इस सीजन की शुरुआत के बीच क्या कोरोना की वही जो स्थिति है उसकी भी शुरुआत हो रही है जिससे हम गुजरकर आ चुके हैं। आप खरीदारी के लिए निकली है तो डर लग रहा है आपको कि जो भीड़ फिलहाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली का दोबारा आने वाला है पक्का। जैसे पिछले साल दिवाली के बाद जो स्थिति देखने को मिलती, जो फिलहाल स्थिति है उसके बाद वो बन सकती है दोबारा, लग रहा है, बोल रही है ना, ऐसी भीड़ देख के तो लग ही रहा है कि हो सकता है दोबारा से। मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का कई प्रयोग दिख रहा है? कोई भी नहीं, सब बिंदास घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल स्थिति है बाजार की, मार्केट की, खरीदारी के लिए आप आई हैं, डर नहीं लग रहा अगर कि वही स्थिति वापस आ सकती है जो 2 साल पहले हम जहाँ थे, वही दिवाली को मनाकर हम वापस उसी स्थिति में जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं हम लोग, इसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो कोरोना के जो मामले हैं कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ जो है बढ़ रही है उसको देखने, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए सरकार को। कोरोना को लेकर बिहेवियर जो है, मास्क, दो गज की दूरी, कहीं पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से दिख रही है। यहाँ पर भीड़ यहाँ पर एक तरह से जुटी हुई है, तमाम जो लोग हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर मास्क के बिना दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह रूप ले सकती है। और जो एक तरीके से भीड़ लोगों का जो हुजूम आप देख रही हैं, डर नहीं लगता देखकर कि नहीं नहीं आए तो ही बेहतर है? बिल्कुल, लोगों को यहाँ पर अनावश्यक तौर पे तो बिल्कुल भी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी कोरोना पे हालांकि लगाम लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मामले जो है वो आ रहे हैं, है ना, तो इस तरीके इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं बाजार में, डर नहीं लग रहा है इस भीड़ को देखकर कि वापस वही स्थिति हो सकती है जहां 2 साल पहले थे? वो तो है ही, लोग बिल्कुल भी लापरवाही हो रहे हैं, कुछ मास्क नहीं है, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। अच्छा, फेस्टिव सीजन को देखकर लगता है कि जो ज़्यादा भीड़ है वो दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो त्योहारों का जो आने वाले त्यौहार है उसको लेकर लोगों के मन में जो उत्साह है उसकी वजह से इतनी भीड़? वैसे भी अदरवाइज भी रहती है, और अब तो खैर और भी होगी, फेस्टिवल तो अभी आने वाला है तो अब तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी। डर लग रहा है आपको देखकर भीड़ में बाजार में खरीदारी के लिए? आप बिल्कुल डर लग रहा है, बट शॉपिंग भी करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी स्थिति है फिलहाल बाजारों में त्योहारों के सीजन को लेकर, डर नहीं लग रहा और वापस वही स्थिति नहीं आ सकती जो हम 2 साल पहले यही दिवाली और यही त्योहारों को मनाने के बाद जाम ने झेली? सिचुएशन तो चेंज हो गया है, ज़्यादातर लोगों में वैक्सीन का डोज लग चुके हैं, फिर भी कॉन्शियस रहना चाहिए सबको, हम सबको मास्क पहनना चाहिए, और बाकी हमारे ऊपर ही है डर। तो आपने देखा कि जितने लोग दिख रहे हैं आसपास उन्होंने मास्क पहना हुआ है? मैक्सिमम तो पहन रखे हैं,
मैक्सिमम पहन रखे हैं, और जो नहीं पहन रखे वो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए सबको। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को चाहिए कि फिलहाल जो भीड़ है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, बंद रखा जाए, अभी बाजारों को कुछ दिन के लिए बंद किया जाए, वीकेंड पर बंद किया जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उत्तराखंड में वैसे भी कंट्रोल है सब कुछ, और अगर बंद रहता है तो और भी कंट्रोल हो जाएगा, तो अगर कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो देखिए ज़्यादातर लोगों में वैक्सीन लग चुके हैं, तो शायद ये कमी है, अभी उसका डर तो कमी है। बाजार में खरीदारी के लिए आई हैं आप? हाँ जी। डर नहीं लग रहा कितनी भीड़ है? वैक्सीन की दोनों डोज लगी है? वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, डर भी है लेकिन थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं, यही हो सकता है। कोरोना का डर तो अभी भी है, मगर लोगों के अंदर दिख रहा है डर आपको कि जितना भीड़ फिलहाल है त्योहार को लेके, कहीं ना कहीं वापस वही स्थिति आ सकती है जो पहले थी? हाँ, लोगों में तो मुझे डर नहीं दिख रहा, लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, मास्क के लेके बहुत रिलेक्टेंट हैं, और मतलब इनको ये नहीं है कि मगर ये बीमारी दोबारा से आ सकती है, कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है। त्योहारों को लेकर एक लंबे समय के बाद जो रौनक दिख रही है कहीं ना कहीं, वो बाजारों में आपको दिखती है? रौनक तो दिख रही है, ये रौनक अगर अपनी लाइफ के कॉस्ट पे हो तो इट्स ऑफ नो यूज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी रौनक की। हम थोड़ा सा अपने प्रिकॉशन को मेंटेन करके चलें, जैसे इतनी भीड़ लगी हुई है, थोड़ी ये भीड़ मिनिमाइज भी हो सकती थी, बट सैटरडे संडे की वजह से ये भीड़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ प्रशासन की तरफ से भी सैटरडे संडे को ऑफ रखा जाना चाहिए। संडे ऑफ तो होता ही है, अब सैटरडे का क्या कर सकते हैं, सैटरडे को ही एक दिन मिलता है जब सब लोग आते हैं, अब बीच में वीकली कोई ऑफ रख दें तो वो अलग बात है, क्योंकि खरीदारी सबको करनी है। लेकिन किस है संडे? हाँ, अब तो संडे भी ओपन है, तो फिर ये तो गलत है ना। क्या चाहेंगे लोगों से कि पहले वैक्सीनेशन कराए, पूरा डबल डोज वैक्सीनेट जब हो जाए तब बाजारों में आए? ये डिपेंड करता है सबकी मर्जी पर, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। बाजार की जो स्थिति फिलहाल आप देख रही हैं चारों तरफ, क्या लगता है, डर लग रहा है आपको देख के कि वापस वही स्टेज आ सकती है जिससे हम निकल कर आए? आएगी वो तो, वापस आनी है, आएगी, और 100% श्योर है हम आएगी। जो स्थिति है उसको देख के लग रहा है? देखते हुए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आधे लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो लग ही रहा है कि फिर से वही माहौल होने वाला है जो पहले था। अच्छा, वैक्सीन लगवाई है आपने? दोनों डोजेज लगी हैं? नहीं। तो फिर वैक्सीन बिना लगवाए आपको बाजार में आने से डर नहीं लग रहा? अब सब घूम रहे हैं, 50% लोगों ने लगवाई है, 50% लोगों ने नहीं लगवाई है, अब कितने ने लगवाई है वो तो हमें भी नहीं पता है ना। लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और लगवाने के बाद घर से बाहर निकले जो भीड़ में फिलहाल मौजूद हैं उनके लिए वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ है, लेकिन नहीं लगवाई हमने अभी तक, क्योंकि हम नहीं आते भीड़ में, ज़्यादा इमरजेंसी होता है तभी आते हैं। पूरे देश में आने वाला समय त्योहारों का है, फिलहाल नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा का समय आने वाला है, दशहरे के बाद दीपावली आने वाली है, तमाम बड़े त्यौहार हैं, उसके बाद सहालकें भी आने वाली हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को कि कोविड प्रोटोकॉल को आखिरकार प्रशासन कितनी सजगता से लेता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई बड़ी रैली होती है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता, लेकिन जब कभी कोई किसी चुनावी समीकरण में हार होती दिखती है तो कहीं कहीं ये देखा जाता है कि कोविड का प्रोटोकॉल है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल लगा दिया जाता है, लेकिन क्या त्योहारों पर, विशेषकर किसी खास त्यौहार पर कोविड प्रोटोकॉल की लोग खुद और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाता है? बात करने के लिए लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं, कोविड का समय चल रहा है फिलहाल और हर आदमी सुरक्षित रहना चाहता है, ऐसे में जब कोई बड़ी रैली होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, और अब त्यौहार भी लगे हुए हैं, तब प्रशासन भी सजग नहीं होता ना खुद लोग सजग होते हैं, लेकिन जब कहीं चुनावी समीकरण में कम सीट दिखती हैं, हार हो रही होती है, कुछ ऐसा होता है, तब कोविड के नियम लोगों को बताए जाते हैं। कैसे देखते हैं, क्या लोग जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, कितनी जागरूकता होनी चाहिए? नहीं नहीं, इसमें तो सरासर प्रशासन ही जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रैली में भीड़ जुटा सकते हो तो भैया त्यौहार क्यों नहीं कर सकता आम आदमी? आम आदमी का साल भर में एक बार त्यौहार आता है, लेकिन कोविड से बढ़ के त्यौहार नहीं है, ये तो है, जान जरूरी है, बट लेकिन आप उसका पालन अपने रैलियों में भी उसको करवाएं, नहीं तो शासन त्यौहार में
डंडा लेके दौड़ता है और जब रैली होती है तो सब पकड़ पकड़ के सबको भरा जाता है ग्राउंड में। ये चीज़ गलत है। अगर आप कोविड प्रोटोकॉल लागू करना चाहते हैं तो आपको सब जगह ही लागू करना पड़ेगा, चाहे वो जनता का जो है त्यौहार हो या फिर शासन प्रशासन की कोई रैली हो। अगर एक जगह आप लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता के अंदर गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक चीज़ और है, हम कभी कभी सुनते भी हैं ऐसा कि राजनीतिक दल जो हैं वो मजदूरों को पैसा देकर के लाते हैं, जिस मजदूर से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ तख्ती और झंडे पकड़कर चलता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसकी पार्टी क्या है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देते हैं। त्यौहार हैं, हाल ही में मुहर्रम हुआ, तमाम त्यौहार हुए जिसमें कोविड प्रोटोकॉल कर दिया गया, टाइमिंग की बाउंडेशन लगा दी गई। बिल्कुल सही बात है, बट जो चलते हैं झंडा लेके वो उनका वोट से कोई लेना देना नहीं होता, उनका तो अपना रोजी रोटी चलाना होता है। और वो क्या करते हैं कि जब भी कभी भी कोई भी रैली होती है तो उनका अपना अपॉर्चुनिटी मिलता है और उनको जाना भी चाहिए, पैसे मिलता है भाई, अब उनको तो जाना पड़ेगा, रोजगार का साधन है उनके। बट लेकिन नेताओं को ये समझना होगा कि भीड़ जुटाने से जो है वोट नहीं मिलता है, वोट लोगों को दिल में जगह बनाने से मिलता है। अगर आप जनता के सही काम करेंगे, सही मुद्दे उठाएंगे और उनको परेशानियों को ख़त्म करेंगे तो आपको वोट बिना आपको मांगे मिलेगा। लेकिन अगर आपने जनता के बीच में गए नहीं, जनता का काम नहीं किया और आप सोचो कि हम भीड़ जुटा के कोई वोट ले लें, तो ये आज की डेट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है, जागरूक है, इतना तो जानती है कि हमारे अच्छे और बुरे के लिए क्या है। और भी लोग हैं जनता के बीच हैं, हम बात करते हैं उनसे। सर कैसे देखते हैं, देखिए कोविड जो है खासकर ये चीज़ देखी जाती है, त्यौहार जब आते हैं तो कोविड का प्रोटोकॉल याद आता है, चेहरे पर मास्क याद आते हैं, लाउड स्पीकर बजने लगते हैं, पुलिस प्रशासन डंडा लेके मुस्तैद होता है, सड़क पे चलने का और बाज़ारों का एक समय निश्चित हो जाता है, इतने बजे से इतने बजे तक बाज़ार चलेंगे। लेकिन जब रैलियां होती हैं या सरकारी कार्यक्रम होते हैं या किसी भी सिर्फ सत्ता की ही बात नहीं, विपक्षी दल भी कोई बड़ा कार्यक्रम करता है, तब कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता। प्रशासन जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है? देखिए इसमें कहीं ना कहीं हद तक के जो है प्रशासन भी जिम्मेदार है। अगर जब ये आप कोविड का पालन के लिए कह रहे हैं तो ऐसे भी जब रहे और जब बड़ा त्यौहार आए तो उसमें भी जो है थोड़ी सी जो है सख्ती जो है करनी चाहिए। तब उस समय तो आप ध्यान देते नहीं हैं, तब त्यौहार रहता है, अब उसमें त्यौहार रहता है, या जैसे आपका ले लें या हमारा ले लें, उसमें त्यौहार रहता है और फिर बाद में जो है जब नहीं कुछ होता है तब उसके बाद में जो है जब बढ़ जाता है, जब कोई केस बीमारी फैल जाती है तब उसके बाद ये कहा जाता है कि मास्क लगाइए, ये लगाइए, यहाँ पर 5 लोग रहेंगे, यहाँ पर 10 लोग रहेंगे। तो इससे पहले ही के जो है हम लोग पहले ही से ना वो उसे कहते हैं इसको मान के चलें कि उसे कहते हैं हाँ बीमारी आने वाली है या अभी हम लोग गुजर चुके हैं इस परेशानी से, दो बीमारियां हो चुकी हैं, दो बार हो चुका है, तो आपके लिए ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे फिर जो है तीसरी लहर ये सुनने में आ रहा है, तीसरी लहर आए। तो इससे हम लोगों को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए और मुस्तैद रहना चाहिए कि भीड़ भाड़ इलाकों में जैसे कम भीड़ हो, जहाँ पे भीड़ माल मेल जो है बाज़ार लगे वहाँ पे कम आदमी जाएं और ज़्यादा ना लगने दें, मुस्तैदी से ये काम करें तो जिससे जो तीसरी लहर सुनने में आ रही है कि आएगी वो ना आने पाए। जनता के बीच हैं, उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं। खासकर कोविड का समय चल ही रहा है फिलहाल, तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है, लेकिन ऐसे में ये देखा जाता है कि जब त्यौहार आते हैं या कोई बड़ा कार्यक्रम आता है, जैसे अभी हाल में मुहर्रम बीता, बकरीद बीती, अब दीपावली है, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में जो टाइमिंग होती है जिला प्रशासन खासकर कोविड को लेकर के गंभीर हो जाता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तब कोविड को दरकिनार कर दिया जाता है। इसमें गलती किसकी मानते हैं, जनता की, प्रशासन की, सरकारों की? इसमें गलती क्या है, बीमारी एक चली है उसके बदौलत सब जो भी समय आता है बीमारी का तो उसमें त्यौहार और ये रैली वैली नहीं देखी जाती है। अब नेताओं को क्या है, उनका तो काम चल ही रहा है, उनको बीमारी से कोई मतलब नहीं है, उनकी रैली होनी होनी है, उनसे बीमारी से क्या लेने देना, उनको जब समझ में आएगा तब वो रैली करेंगे, जब समझ में आएगा तब वो मीटिंग करेंगे। खासकर देखा जाता है कि जो त्यौहार आते हैं उसमें बाज़ारों का एक निश्चित समय कर दिया जाता है कि 10 बजे से 7 बजे तक, सड़क पर चलने का भी एक निश्चित समय होता है कि 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाएगा या लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि जब पार्टी की कोई कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक दलों के कोई कार्यक्रम होते हैं, तब कोविड की गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया जाता है। इनको तो पहले चीज़ तो डालनी चाहिए, कोरोना को पता चल रही है,
तब कोरोना था तब इन्होंने लॉकडाउन लगाया नहीं, तब कोरोना नहीं था तब लॉकडाउन लगा दिया। अब वैसे बंगाल वाले में देखिए, तब कोरोना था तो लॉकडाउन बंगाल में नहीं था, कैसे बंगाल हारे वैसे वहाँ यहाँ यहाँ लॉकडाउन लग गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तौर पे देखिए जनता का रोष है, अपने अपने व्यक्तियों की राय है, हर व्यक्ति की अपनी अलग राय है, सबका अपना अलग अलग मानना है, लेकिन ये बात हमें भी समझनी होगी कि कोविड का गाइडलाइन, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ज़रूर वैक्सीन आ गई है दो डोज लगने के बाद, तीसरी डोज की भी बात की जा रही है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि हम किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी उठाएँ, और न सिर्फ प्रशासन जनता अपनी भी जिम्मेदारी कोविड की गाइडलाइन को लेकर निभाएगी, तभी एक समाज बेहतर हो सकता है और कोविड से बचाव हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।